नमस्कार, मैं बिहारी न्यूज से आज मैं आपको एक चौंकाने वाली खबर बता रहा हूँ। मधेपुरा से ये आ रही है चौंकाने वाली खबर। मधेपुरा में शिवलिंग पर बना नाग पी रहा दूध और पानी। जानिए क्या सच्चाई है इस खबर में। मधेपुरा जिले के गम्हरिया प्रखंड मुख्यालय से करीब 2 किलोमीटर दूर तरावे गांव के एक मंदिर में पत्थर के शिवलिंग पर बने नाग द्वारा दूध व पानी की खबर क्षेत्र में आग की तरह फैल रही है। दूर दूर से लोग पत्थर के बने नाग को दूध पिलाने मंदिर पहुँच रहे हैं। मंदिर के प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ जुट रही है। इस घटना को लेकर पुजारी का कहना है कि सुबह मंदिर साफ करने के दौरान नाग देवता पर पानी डालते ही पानी सूख जाता था। इसके बाद दूध दिया गया वो भी सूख गया। जैसे ही इस घटना की जानकारी लोगों को हुई तो मंदिर में पूजा अर्चना को लेकर लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। वहीं इस विषय पर विशेषज्ञों से बात की गई तो वे पूरे इस तरह की बातें को अफवाह बता रहे हैं। क्या कहते हैं जानकार? BNMU के रसायन विज्ञान प्राध्यापक डॉक्टर नरेश कुमार ने बताया कि हर पदार्थ का अपना अपना सरफेस टेंशन व अधिशोषण की प्रवृत्ति होती है। इससे पदार्थ किसी भी द्रव व गैस को आसानी से सोख सकता है। यह अधिशोषण की घटना कई बार अधिक होने लगता है जिसे लोग अंधविश्वास बना देते हैं। इससे पूर्व भी इस तरह की घटना हो चुकी है जिसका कारण सरफेस टेंशन व अधिशोषण साबित हुआ है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे